बात करते हैं अगली खबर की, जहां श्रीनगर गढ़वाल में तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण दस्तावेजों में मृत व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। मामला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का है। यहां गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति बीते 8 महीनों से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहा है, लेकिन अभी तक गोविंद सिंह खाता खतौनी में मृत है। वह लंबे समय से तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों में सुधार हो सके। दरअसल गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। रिटायर्ड होने के बाद वे अपने पैतृक घर श्रीनगर गढ़वाल नकोट गांव पहुंचे। यहां गोविंद अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। इसके बाद वे तहसील के चक्कर काटने लगे। पूरे मामले पर श्रीनगर तहसील के तहसीलदार का कहना है कि उनकी जानकारी में यह मामला आया है। मामले की जांच की जा रही है। आखिर इस तरह की गलती हो कैसी गई? पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। तो मेरे को मेरे छोटे भाई है, चचेरे चाचा के लड़के, वो दो भाई है, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने अपनी जमीनों के लिए कुछ निकाला होगा खतौनी वहां से, तो उन्होंने देखा उसमें जी कि ये मृत घोषित कर रखा है आपको। तो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं करना, क्यों करना था, क्योंकि आपके साथ ऐसे हो रखा है। फिर मैंने वहां दरख्वास्त दी थी तुरंत ही, तो उसके बाद कार्रवाई बड़ी लेट उन्होंने की। अब पटवारी साहब भी मेरे कन्फर्मेशन भी ले गए। उसके बाद अभी कोई ऐसी कुछ हम गए भी है वहां पे कि सूचना की हम पता करने के लिए, हमें तो ज्ञान है नहीं यहाँ का, तो पता करने के लिए गए तो हमें तो ऐसे धमकी दी उन्होंने जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया यहाँ पे आके। कहा जो विभाग है वहां पे, जो दिल्ली में हमने सर्विस किया है, कई बार मैं ज्यादातर आईएसओ के साथ भी रहा हूँ, वहां पे तो बड़ा डिसिप्लिन से काम होता है, बड़ा अच्छे बड़े की जो जितने बड़े अफसर होते हैं बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं और सबकी समाधान करते हैं, हेल्प करते हैं। बल्कि यहाँ पे तो मेरे को समझ आई देख रहा लेकर और 70 साल के बच्चे होने के नाते ऐसा हो गया, मैं मृत घोषित हो गया। तो मैंने पटवारी से संज्ञान लिया इस बात का, पटवारी से बात करी, उन्होंने बोला रावत जी हाँ हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो हम इसको सुधार करेंगे। तो 8-9 महीने हो चुके हैं सुधारीकरण के लिए। ऑलमोस्ट अभी ये बात जो फाइल थी वो तहसीलदार साहब के पास थी, तो हमने तहसीलदार साहब को मिलने के लिए 2 बार गए, तो तहसीलदार साहब मिले नहीं। मिलने के बाद ना मिले तो फिर हमने फोन करा उनको, तो उन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है ये प्रधान से लिखवा के, तो हम प्रधान से लिखवा के ले गए। इन्होंने जब हम उनसे मिलने गए तो शायद इनका था मूड खराब था या क्या था ये तो हम नहीं जानते, तो इन्होंने उठा के वो पेपर फेंक दिया। फेंका तो मैंने साहब जो आपने मंगाया हमने वो दिया, बोले ये नहीं चलेगा, पॉलिटिकल आदमी होता है प्रधान और आप कहीं और से लिखवा के लाइए। आप उनका फेडरल संज्ञान में आए हैं सर, इसमें ऐसा कुछ तथ्य सामने आए हैं कि व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका नाम खतौनी से हट गया है, वो प्रकरण हमने संज्ञान में ले लिया है। उसमें नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। आज के आए थे वो हमारे पास, उनको जो नियमानुसार हमने बता दिया है कि क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसका जल्दी मतलब आज ही उसका निस्तारण हो